गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा शिक्षा निकेतन चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होने वाली बीमारियाँ। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है। सो डेफिशिएंसी डिजीज़ दैट मीन्स कि डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। दैट मीन्स कि जब आपको कोई बीमारी काफ़ी लंबे समय से किसी खास पोषक तत्व की कमी से हो तो उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। तो इसी प्रकार आज हम कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारियों की स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, हालांकि आप ये न्यूट्रिएंट्स में पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक बार और इसे रिवाइंड कर लेते हैं, यानी कि रिवीजन कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के एनर्जी गिविंग के मुख्य स्रोत होते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बॉडी प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन, अ फील गुड दैट इज प्रोड्यूस इन द ब्रेन। दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वह हमारे माइंड में एक खास तरह का लिक्विड सीक्रेट करते हैं, जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। और ये लिक्विड क्या वर्क करता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को, यानी हमारे ब्रेन को इम्बैलेंस नहीं होने देता है। आप अच्छे से जानते हैं, अगर ब्रेन इम्बैलेंस हो गया तो हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ इम्बैलेंस हो जाती हैं। चलिए, तो अब अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाए तब क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं आपकी बॉडी में, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई है। तो चलिए, सिम्टम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, फर्स्ट इज यू फील हंगर ऑल द टाइम्स। आप क्या करते हैं, आपको हर वक्त भूख लगती है, आपको ऐसा लगता है कि अभी आप भूखे हो। नेक्स्ट, योर प्रोग्रेस ऑफ लूजिंग वेट हैज़ स्टॉप। साथ ही साथ आपका जो विकास होता है, आपका बॉडी वेट, वो रुक जाता है और वो दिन ब दिन घटने लगता है। यू फील बिकम्स वीक एंड डज नॉट हैव इनफ स्टेमिना। साथ ही आप कमजोरी महसूस करते हो और आपकी बॉडी में अब कोई भी ताकत नहीं बची होती काम करने की। योर जिम सेशन आर नॉट इफेक्टिव। साथ ही आप जो डेली रूटीन में अपनी वर्क करते हो, जिम सेशन, वो भी अब आपका इफेक्टिव यानी कि असरदार नहीं रहता है। देन यू कैन नॉट वियर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। साथ ही आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक दोनों तौर से कमज़ोर पाते हो। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो आपको ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। सो डिजीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट इज नौजिया। नौजिया दैट मीन्स कि जी मचलना। जब आपको उल्टी आती है तो कैसा लगता है, पेट में हल्की सी मरोड़ होती है, अजीब अजीब सी फीलिंग्स आती हैं और उल्टी होने का मन होता है। नेक्स्ट, हेडेज यानी कि सर में दर्द होना। अचानक से जब आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कोई वर्क कर रहे हो, किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में जब एनर्जी कम होती है तो आपके सर में दर्द होता है। कभी कभी ये माइग्रेशन यानी अर्ध कपारी, जिसको कहते हैं कि आधे सर में दर्द होता है, इस तरीके का रूप भी ले लेता है। और कभी कभी ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी हो जाता है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक भी होता है। बैड ब्रीथ यानी कि मुंह से बदबू आना। आपने देखा होगा कुछ लोगों के मुंह से बदबू आती है और हम उनके पास खड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनसे दूर रहना पसंद करते हैं जब वो बोलते हैं। तो ये भी किसके सिम्टम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी के। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट आप देख रहे हैं एक नॉर्मल पिक्चर, दूसरी है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की। नॉर्मल में जब आप वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं तो ईजिली वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। वहीं जब आपको क्या होता है, कब्ज होता है, तब क्या होता है, आपको वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने में बहुत दिक्कत होती है और बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, पेट में मरोड़ होती है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। क्वासिर कौर दैट मीन्स कि सूखा रोग। आप इस बच्चे की पिक्स देख सकते हैं। क्वासिर कौर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कि बॉडी का कोई एक पार्ट यानी कि स्टमक डे बाय डे बढ़ता रहता है, इंक्रीज़ होता है उसका साइज़। साथ ही बॉडी के अनदर पार्ट्स लाइक आपके हैंड्स, लेग्स, ये क्या होते हैं,
दिन ब दिन वीक होते जाते हैं, यानी कि पतले होते जाते हैं। मूड स्विंग्स, मूड स्विंग दैट मीन्स कि आपने देखा होगा कुछ लोगों का मूड मिनट मिनट में चेंज हो जाता है, तो ये भी किसकी कमी है? आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो आपका मेन पोषक तत्व है उसकी कमी से आपको ये सिम्टम्स भी लोगों में देखने को मिलते हैं, लाइक डिप्रेशन, स्ट्रेस, सडन जॉय, इरिटेशनल बिहेवियर, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड कन्फ्यूज़न। तो आई होप सो कि अब मेरे बच्चों को कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर होगा और वो एक हेल्दी डाइट लेंगे। सो आपको क्या करना है, अपनी हेल्दी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को ज़रूर इंक्लूड करना है। डू नॉट फॉरगेट टू ईट हेल्दियर कर्ब्स एंड नॉट द वंस दैट विल मेक यू गेन वेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।